नमस्कार दोस्तों, पिछले हफ्ते जो मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो डाला था जो कि विदेशी बहू की शादी का था, तो मैं पूरा ब्लॉग आप लोगों को नहीं दिखा पाई क्योंकि बहुत बड़ा मेरा ब्लॉग हो जाता, तो इसकी कुछ झलकियां मैं दूसरे ब्लॉग में दिखा रही हूँ। तो आप लोग हमारे साथ चलिए और इसको देखिए, क्योंकि कुछ ऐसी बहुत सारा रिवाज रस्म होता है हमारे यूपी में शादियों में, तो उसका पूरा मैं नहीं दिखा पाई। तो आप लोग हमारे साथ चलिए देखिए। हम लोग होटल में पहुंच गए हैं और कुछ लड़के के बहन की सहेलियां आई हैं। ये देखिए यहाँ पे डेकोरेशन का काम हुआ है कितना सुंदर। तो कुछ हल्दी वगैरह का मतलब जो था वीडियो नहीं दिखा पाई थी, तो मैंने कहा चलो मैं दूसरे ब्लॉग में डाल देती हूँ और देख लीजिए, दो भाग में कर देती हूँ, उससे बहुत बड़ा वीडियो हो जाता। तो देखिए सब लोग आपस में बैठे हैं, बात वगैरह कर रहे हैं और हम लोग पहुँच गए हैं वहाँ पर। तो वहाँ का कुछ रस्म रिवाज है जो कि हो रहा है, और देखिए सब आपस में बात बात भी कर रहे हैं, खूब मस्ती हो रहा है। यही होता है ना, जहाँ ज़्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं तहाँ खूब अपना बातचीत होता है। खासकर औरतें जहाँ रहती हैं तो उनका आपस में अलग ही रहता है, मस्ती रहता है। और शादी का तो सारे रिश्तेदार वगैरह इकट्ठा हुए थे, तो सब लोग आपस में बात वगैरह कर रहे हैं। लड़कियां भी खूब इंजॉय कर रही हैं, लोग वहीं फैजाबाद में पढ़ती हैं, अयोध्या में तो ये लोग आ गई थी। सब मस्ती मजाक अपना इनका हो रहा है। और ये देखिए कुछ रस्म रिवाज है जो यहाँ पर हो रहा है, सब लोग आपस में बैठे हैं और यहाँ पे गाना वाना भी हो रहा है। तो मैं आवाज़ पीछे से दे रही हूँ, इसलिए पीछे से दे रही हूँ कि शादी ब्याह का जो माहौल होता है तो उसमें गाने वगैरह जो है फिल्मी ही चलते हैं, तो फिल्मी गाने मैं नहीं डाल सकती क्योंकि कॉपीराइट हो जाता है, तो मुझे पीछे से आवाज़ देना पड़ रहा है। अक्सर वो फिल्मी गाने ही चलते हैं। तो देखिए सारा रस्म रिवाज हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है और आप लोग देखिए, देखिए यहाँ पे हल्दी मेहंदी वेहंदी का प्रोग्राम चल रहा है, लड़के को कुछ पूजा पाठ मंत्र वगैरह हो रहा है। देखिए अब देखिए सब जा रहे हैं, अब वहाँ पर जा रहे हैं जहाँ पर हल्दी का प्रोग्राम रखा गया है। मैंने बताया था ना पिछले वीडियो में आप लोगों से बताया था कि सारा प्रोग्राम एक ही होटल से था और एक ही जगह था, क्योंकि लड़की वालों की तरफ से तो विदेश से थे तो ज़्यादा लोग आए नहीं थे और सारा प्रोग्राम लड़कों वालों को ही देख करना था, तो इसलिए सब इकट्ठे ही हुआ। तो देखिए सब लोग जा रहे हैं अंदर, अब यहाँ पे हल्दी वगैरह का काम होगा। देखिए सब लोग जा रही हैं और यहाँ पे फिर डांस हो रहा है, मतलब ये जयमाल शादी के पहले का डांस है, ये सब डांस वैसे ही हो रहा है, डीजे चल रहा है तो सब लोग अपना डांस कर रही हैं। और इसके बाद डांस के बाद फिर हल्दी का प्रोग्राम होगा, हल्दी वगैरह का जो होता है मेहंदी हल्दी, तो सब खूब इंजॉय कर रहे हैं। देखिए और ये होटल जो है मेन रोड पर है, तो मेन रोड ये जो गाड़ियां जा रही हैं सब दिखाई दे रही हैं। देखिए ये दूल्हे की मम्मी है जो मैरून साड़ी में है, दूल्हे की मम्मी है, और जो नीली साड़ी में आपको स्काई ब्लू में देख रही हैं वो नानी है, दूल्हे की नानी और मम्मी है, सब डांस कर रही हैं, सब सारे रिलेटिव वाले ही हैं तो शादी में। देखिए बहुत अच्छा लगा, हर प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। वैसे तो सारा प्रोग्राम अलग अलग दिन होता है, जैसे हल्दी शादी के एक दिन पहले होता है, मेहंदी एक दिन पहले होता है, और हमारे यहाँ यूपी में मतलब बहुत सारे ऐसे रिवाज होते हैं शादी के जो कि एक हफ्ते पहले से शुरू हो जाता है, लेकिन अब वो चूँकि बाहर से था शादी का सारा प्रोग्राम तो एक ही होटल से और एक ही दिन करना पड़े। देखिए दुल्हन की नानी है जो कि रूस से है,
ये बैठी है, अभी मेहंदी वेहंदी लगा कर बैठी है। और ये देखिए दिखा रही हैं अपना मेहंदी। इनको कुछ समझ में आता नहीं था, बस जो हम लोग इशारे से कर रहे थे वही ये कर रही थी। और ये देखिए हल्दी में दुल्हन कैसे डांस कर रही है, पीले लहंगे में है। ये देखिए जो लहंगा पहनी है यही दुल्हन है, और ये इंडियन म्यूजिक पे डांस कर रही है। लड़कियों को देख रही जो जिस तरह कर रही है उसी तरह कर रही है। यहाँ का म्यूजिक इन लोगों को तो समझ में आता नहीं है, बस ये देख के कर रही है, बहुत ही इंजॉय कर रही है लड़की। देखिए ऐसे डांस कर रही है, मस्त है एकदम। मतलब इस शादी में था कि लोग यही देखने के लिए ज़्यादा इकट्ठा हुए थे कि कैसे विदेशी लड़की और इंडियन रीति रिवाज से हर काम कर रही है। तो यहाँ शादी में मतलब देखने वाले, शादी देखने वाले लोग ज़्यादा थे। रिलेटिव में जो भी ये था कि हमें जाना है, हमें जाना है, हम शादी देखते हैं कैसे होता है। देखिए ये लड़की डांस करते करते थक गई है। और अब इनके यहाँ का तो अलग ही होता है, ये लोग ज़्यादातर वही पार्टी डांस करते हैं सब अपना होता है। और अपने यहाँ हमारे खासकर हमारे यूपी में भोजपुरी गाना ज़्यादा चलता है, भोजपुरी लोग गाना बजाते हैं, हिंदी सॉन्ग फिल्मों का सॉन्ग चलता है। तो हर तरह के गाना लोग खूब झूम कर खूब मस्ती करके नाचते गाते हैं। और उसके बाद ये देखिए लड़की की नानी को भी नचाया गया। इसको इनको भी कुछ नहीं आता था, लेकिन अभी भी बस वही जो सब देख रही हैं जैसे सब लोग कर रहे हैं वैसे ये भी कर रही हैं, ये भी डांस कर रही हैं। ये देखिए लड़के की नानी है और बाकी लड़की की और बाकी लड़के के सब रिलेटिव हैं, उनकी मम्मी नानी ये सब लोग हैं। देखिए इनकी चाची हैं लड़के की, सब डांस कर रही हैं। तो ऐसे आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।